हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रबड़ी केक की रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये रबड़ी केक बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बोल में 1/4 कप तेल लेंगे, 1/4 कप दही और 1/2 कप पिसी हुई चीनी। इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और 1 कप मैदा डालेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई भी इसमें लम्प्स ना रहे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप प्लस 3 टेबलस्पून दूध। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बैटर को आप ओवर मिक्स ना करें, नहीं तो आपकी केक डेंस बनेगी। अब हमारा केक का बैटर तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह फ्लोई होनी चाहिए। यहाँ मैंने एक कांच का बोल लिया है, इसको हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास कांच का बोल नहीं है तो आप नॉर्मल केक टिन भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस बैटर को इस बोल में शिफ्ट कर देंगे। इसको हम हल्के से टैप कर लेंगे और अब हमारा मोल्ड तैयार है। अब इसको हम प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पर 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। केक बेक होने तक हम उसके लिए रबड़ी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। दूध को मैंने हाई फ्लेम में रखा है। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून चीनी। फ्लेवर के लिए 2 से 3 इलायची डालेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे जब तक ये आधा ना हो जाए और ऐसे ही लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। साइड से जो मलाई आ रही है उसको हम स्क्रेप करके वापस दूध में डालते जाएंगे। मीडियम फ्लेम में हम इसको ऐसे ही लगातार चलाते रहेंगे। ध्यान रखें कि लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो हाई फ्लेम की वजह से दूध पैन से बाहर आ जाएगा। मैंने इसमें थोड़े कटे हुए बादाम और पिस्ता डाले हैं। इस तरह से मैंने दूध को तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाया है। तो हमने 1 लीटर दूध लिया था, अब ये 400 ml हो गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। टूथपिक डालकर हम इसको चेक कर लेंगे। अगर टूथपिक क्लियर है तो इसका मतलब हमारा केक परफेक्टली बेक्ड है। केक को हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ दें। किसी भी चाकू या फोक से हम केक को ऐसे प्रिक कर लेंगे। ऐसा करने से जब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे तो इस केक के अंदर सोख हो जाएगी। अब हम इस रबड़ी को केक के ऊपर डालेंगे। इसी तरह से मैंने सारे केक को रबड़ी से कवर कर लिया है। थोड़ा सा रबड़ी मैंने बचा लिया है सर्व करने के टाइम उसके ऊपर डालने के लिए। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे कटे हुए बादाम और पिस्तों के साथ। रबड़ी केक तैयार है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो रबड़ी है वो केक में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के टाइम थोड़ी और रबड़ी ऊपर डालेंगे। तो आपने देखा है कितना आसान है बनाना और ये बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में। नीचे से केक की लेयर रहेगी और ऊपर से रबड़ी, ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।
अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।